नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइज। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अतीक अशरफ के बाद पुलिस कस्टडी में मुख्तार के करीबी जीवा की भी हत्या हो गई है। आज हम आपको बताते हैं यूपी के इन दोनों बड़े हत्याकांड में एक दो नहीं बल्कि पांच समानताएं देखने को मिली हैं। सबसे पहली समानता यह है कि अतीक और अशरफ की हत्या पुलिस कस्टडी में 15 अप्रैल को की गई थी। वैसे ही जीवा की भी हत्या पुलिस कस्टडी में की गई थी। मुख्तार के करीबी जीवा की हत्या ऑटोमेटिक पिस्टल से की गई थी। वैसे ही अतीक अशरफ की भी हत्या ऑटोमेटिक पिस्टल से की गई थी। जीवा की हत्या करने वाले वकील बनकर आए थे। वैसे ही अतीक अशरफ की हत्या करने वाले मीडिया कर्मी बनकर आए थे। अतीक की पत्नी शाइस्ता ने पति और देवर की हत्या की आशंका जताई थी और सीएम को लेटर भी लिखा था। वहीं जीवा की पत्नी पायल ने भी फरवरी 2021 में पति की हत्या की आशंका जताते हुए चीफ जस्टिस को लेटर लिखा था। तीनों ही माफियाओं के हत्यारे मौके से ही गिरफ्तार हो गए थे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द सोशल राइज़।